इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सहायक अध्यापक भर्ती 2018 की आंसर शीट पर आपत्तियों को लेकर दाखिल सैकड़ों याचिकाएं खारिज कर दी हैं। कोर्ट ने कहा है कि प्रतियोगी परीक्षा के आंसर की जारी होते ही चुनौती देना फैशन बन गया है। बिना किसी ठोस आधार के मनगढ़ंत आरोप लगाते हुए याचिकाएं दाखिल की जाती है। और इसी बीच हमारे साथ विशाल हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हैं। विशाल, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सहायक अध्यापक भर्ती 2018 की आंसर शीट को लेकर आपत्ति जाहिर की है। देखिए बिल्कुल, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सहायक अध्यापक भर्ती को लेकर जो उत्तर कुंजी को लेकर जो चुनौती दाखिल की गई थी उनको पूरी तरह से खारिज कर दिया गया है। करीब 110 चुनौती वाली याचिका जो है वो कोर्ट में थी, जिनको क्लब किया गया था और क्लब करके उन पर सुनवाई चल रही थी, जिसके बाद अब फिलहाल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उन याचिकाओं को खारिज करते हुए ये कहा है कि ये एक फैशन बन गया है कि जैसे ही उत्तर कुंजी आती है उसके खिलाफ याचिकाएं दाखिल कर दी जाती हैं और जिसकी वजह से जो भर्ती प्रक्रिया है उसमें लेट होता है, जिसको लेकर फिलहाल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ये जो पूरी याचिका थी उन सबको खारिज कर दिया है। करीब 110 याचिकाएं जो है वो इसमें पूरी क्लब की गई थी, इन पर सुनवाई चल रही थी और फिलहाल कोर्ट ने इस पूरे मामले को लेकर तमाम जो याचिकाएं थी उनको खारिज कर दिया था। 150 अंक में 142 के जो तमाम सवाल थे उनको लेकर सवाल खड़े हुए थे कि बाकी के जो सवाल है वो उत्तर कुंजी में वो गलत है। तो इस तरह की याचिका जो थी ये कोर्ट में दाखिल की गई थी, जिस पर कोर्ट ने कहा है कि बिना बेसलेस ये जो तमाम याचिकाएं होती हैं इनका कोई वजूद नहीं होता है, जिस पर फिलहाल कोर्ट बिल्कुल, और इसीलिए याचिकाएं खारिज की गई है। बने रहिए विशाल हमारे साथ, आगे भी अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे।